जीतने वालों को मेरा सलाम। उसेन बोल्ट के पास सब कुछ है, स्पीड, वर्ल्ड चैंपियन को जचने वाला स्टाइल और सरनेम जो लगता है कि जैसे दुनिया के सबसे तेज इंसान के लिए ही बना हो। लेकिन मिस्टर बोल्ट का तूफानी सफर इतना आसान नहीं था। 100 और 200 मीटर की रेस जितना स्पोर्ट है उतना साइंस भी है। आपकी टेक्निक और शरीर की बनावट से बहुत अंतर पड़ता है। उसेन बोल्ट के शरीर में कुछ खामियां थी। SMU टेक्सास के रिसर्चर्स ने देखा कि उसेन बोल्ट का उल्टा पैर सीधे से 12% कम फोर्स पैदा करता है, और मिस्टर बोल्ट की ऑटोबायोग्राफी के अनुसार स्कोलियोसिस के कारण उनका उल्टा पैर सीधे से 1 इंच छोटा है, इसलिए वो एक पैर से ज़्यादा फोर्स पैदा करते हैं। दूसरी तरफ स्प्रिंटर्स की औसतन हाइट 6 फुट होती है, वहीं मिस्टर बोल्ट 6 फुट 5 इंच के हैं। उनके कोच कहते थे कि आपको 100 की जगह 400 मीटर दौड़ना चाहिए, लेकिन मिस्टर बोल्ट को तो स्प्रिंटिंग का शौक था। कोई भी स्प्रिंटर 100 मीटर तक एक्सेलरेट नहीं कर सकता। बोल्ट 60 से 70 मीटर में अपनी टॉप स्पीड में आ जाते हैं, वहीं दूसरे एथलीट कम हाइट होने के कारण ज़्यादा कदम ले सकते हैं और जल्दी अपनी टॉप स्पीड में आते हैं। फिर उसेन बोल्ट रेस कैसे जीतते? SMU के स्पोर्ट्स साइंटिस्ट कहते हैं कि 100 मीटर की रेस तेज शुरुआत यानी एक्सेलरेट करने से नहीं, बल्कि अंत में धीमे न होने से यानी कम डिसलरेशन से जीती जाती है। मिस्टर बोल्ट आखिरी 30 मीटर में अपनी स्पीड ज़्यादा नहीं गिरने देते और पीछे से आकर रेस जीत लेते हैं। उसी तरह एक स्प्रिंटर हवा में तेज पैर चलाने से एक्सेलरेट नहीं करता, बल्कि उसका एक्सेलरेशन निर्भर करता है कि उसके पैर धरती को कितने फोर्स से पीछे धक्का दे सकते हैं। बढ़िया टेक्निक से टॉप स्प्रिंटर एक पैर से बॉडी वेट का 5 गुना फोर्स पैदा कर सकता है, और मिस्टर बोल्ट अपने सीधे पैर से 455 किलो से ज़्यादा का फोर्स पैदा कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि स्प्रिंटिंग साइंस, टेक्निक और बैलेंस का खेल है, और 10 सेकंड के इस खेल में आप गलती नहीं कर सकते। जहां एक छोटी सी गलती, एक फॉल्स स्टार्ट, एक पैर कम ज़्यादा गिरना, एक इंजरी आपकी सालों की मेहनत बिगाड़ सकता है। बोल्ट की खासियत यह है कि वे अपने शारीरिक कमियों के बावजूद 9 साल तक शीर्ष पर टिके रहे, जिसके लिए एक स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए जो किसी भी तरह का प्रेशर झेल सकता है, और यही बोल्ट की खासियत आपको इस वीडियो में और उनके कई इंटरव्यूज में बार बार दिखेगी। उस दिन के पहले आज तक किसी ने ओलंपिक्स में इतना स्वैगर नहीं देखा था। ओलंपिक्स के सबसे पुराने, सबसे बड़े इवेंट में किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि 100 मीटर की रेस इतनी आसानी से जीती जा सकती है। मिस्टर बोल्ट ने रेस खत्म होने से 20 मीटर पहले ही अपना सीना ठोकना और हाथ उठाना शुरू कर दिया था। देखने वाले समझ चुके थे कि उसेन बोल्ट ने मजाक में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। उसके बाद उसेन बोल्ट 9 ओलंपिक्स इवेंट में 9 गोल्ड जीते। उनको एक मेडल लौटाना पड़ा क्योंकि उनके एक साथी डोप टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए। स्पोर्ट्स साइकियाट्रिस्ट स्टीव पीटर्स कहते हैं, 100 मीटर की स्टार्ट लाइन वो जगह है जहां अच्छे अच्छों के पैर कांपने लगते हैं। वहां बोल्ट एकदम मस्त अंदाज में खड़े रहते हैं और अपने सपोर्टर्स को चीयर करते हैं। बोल्ट ने बड़ी रेस के पहले खुद को एकदम रिलैक्स करना सीख लिया है। या तो वो रेस पर एकदम सही समय पर फोकस करना शुरू करते हैं, या फिर उन्होंने फेलियर के डर को पूरी तरह जीत लिया है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के हिसाब से उनका एटीट्यूड एकदम परफेक्ट है, और शायद ऐसी पर्सनैलिटी और स्पीड का मेल हम दोबारा नहीं देखेंगे। एक इंटरव्यू में पूछा गया कि जब फाइनल रेस का मौका आता है तब सब एथलीट्स का दिल तेज धड़कता है और पूरे शरीर में एड्रेनलिन पंप होता है, उस समय उसेन बोल्ट के दिमाग में क्या चलता है? बोल्ट कहते हैं कि मैं रैंडम बातों के बारे में सोचने की कोशिश करता हूँ कि आज रात में खाना क्या खाऊंगा, कल किससे मिलना है, वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ही रेफरी बोलता है ऑन योर मार्क्स, वैसे ही मेरा पूरा फोकस रेस पर लॉक हो जाता है, और हम देखते हैं कि बोल्ट की पर्सनैलिटी एकदम बदल जाती है। बोल्ट खुद कहते हैं कि जब मैं ट्रैक पर जाता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। दोस्तों, उसेन बोल्ट की ये जो मस्त मौला पर्सनैलिटी है, ये सिर्फ ऊपर का मुखौटा है। असली कहानी छिपी है 22 साल की बोल्ट की बातों में, जो कहते हैं मेरे कोच का जवाब हमेशा न होता है। मैं कितनी भी अच्छी रेस दौड़ लूँ या मैं कितनी भी अच्छी ड्रिल्स लगा लूँ, अगर उनसे पूछे कि मेरी टेक्निक अच्छी है तो उनका जवाब होगा नो। शायद कोच का यही काम है। लेकिन बोल्ट हमेशा से टॉप एथलीट नहीं थे।
कोच मिल्स ने बोल्ट के साथ काम करना तब शुरू किया जब वे चोटों से परेशान थे और क्रिटिक्स का अंदाजा था कि इस 18 साल के लड़के का इंटरनेशनल करियर 2-3 साल में खत्म हो जाएगा। 15 साल की उम्र में बोल्ट ने 200 मीटर की रेस जीतकर यंगेस्ट एवर वर्ल्ड चैंपियन बने। आज से पहले किसी ने भी 15 साल या इससे कम की उम्र में वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीती थी। फिर 2 साल बाद 17 साल की उम्र में उन्होंने उसी प्रतियोगिता में वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड भी तोड़ा। पूरे जमैका को उम्मीद थी कि ये लड़का देश के लिए पहला ओलंपिक्स गोल्ड लेके आएगा, लेकिन उसेन बोल्ट 2004 ओलंपिक्स के पहले ही राउंड में चोट के कारण बाहर हो गए। वे कहते हैं कि जिस साल में प्रोफेशनल प्लेयर बना उसी समय से बार बार इंजरीज हो रही थी। असल में बोल्ट को स्कोलियोसिस था जिसमें स्पाइन के बगल में थोड़ा घुमाव आ जाता है। कई केसेस में तो स्पाइन का आकार एस जैसा हो जाता है। बोल्ट कहते हैं कि बचपन में कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन प्रो एथलीट बनने के पहले साल में वर्कलोड बढ़ गया और स्कोलियोसिस के कारण हैमस्ट्रिंग्स इंजरीज होने लगी। लेकिन ये बात जमैकन मीडिया को नहीं मालूम थी। सबका अनुमान क्या दावा था कि ओलंपिक्स में हारने के डर से उसेन बोल्ट ने दर्द का नाटक किया है। ये बोल्ट के लिए दूसरी बड़ी सीख थी कि बोलने वाले तो बोलेंगे। इधर कोच और बोल्ट ने अपना काम शुरू कर दिया। एक स्पेशलिस्ट थेरेपिस्ट बुलाया गया और साथ में अपनी स्पाइन और गर्दन को मजबूत करने के लिए बोल्ट ने और कठिन ट्रेनिंग शुरू कर दी। इसका पहला रिजल्ट मिला 3 साल बाद, जब उन्होंने 2007 में 2 सिल्वर मेडल्स जीते। बोल्ट कहते हैं कि कोच मिल्स ने मुझे एक लड़खड़ाते हुए चोटिल एथलीट से चैंपियन बना दिया, लेकिन प्रेशर से बचने का तरीका 15 साल के बोल्ट को खुद ही सीखना पड़ा। 2002 किंगस्टन जमैका में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। सब कहते थे कि तुम 100 मीटर दौड़ने के लिए नहीं बने हो। आज वो 15 साल का दुबला पतला लड़का अपने शहर के सामने दौड़ने से कतरा रहा था। बोल्ट की माँ कहती हैं कि वो इतना डरा हुआ था कि वो रो रहा था। बाकी सब लड़के बड़े और ताकतवर थे, वो अपने शहर के सामने हारना नहीं चाहता था। बोल्ट ने उस दिन अपने डर को काबू करके रेस जीती। वे कहते हैं कि उस दिन अपने डर को पछाड़ना मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मैंने किसी रेस को अपने सर पर भारी नहीं होने दिया, और यही बारीकी हमें उनके वर्क एथिक में भी दिखती है। एफर्टलेस परफॉर्मेंस जैसी कोई चीज़ नहीं। जब कई लोग मुझे भागते हुए देखते हैं तो कहते हैं कि आप स्प्रिंटिंग को कितना आसान बनाते हो, बिल्कुल एफर्टलेस। बोल्ट कहते हैं कि उस लेवल तक पहुंचने से पहले सब कुछ बहुत कठिन है। हर दिन सुबह शाम सेक्रीफाइस है। जब आप पूरी दम लगाकर ट्रेनिंग करते हो तो शरीर दर्द में कहता है कि रुक जाओ, अब घर चलते हैं। जब सुबह उठते हो तो याद आता है कि आज तो बड़ी कठिन ट्रेनिंग है। मन करता है कि ना जाऊं, घर पर ही आराम करूं, लेकिन जाना तो है। ट्रेनिंग करना रेस से बहुत कठिन है। मेरे कोच कहते हैं कि कुछ सालों में हमारे पास ट्रैक यानी दौड़ने वाली मुरम नहीं बचेगी, क्योंकि ये सब तो तुम अपने पसीने के साथ घर ले जा रहे हो। रिपोर्टर उसेन बोल्ट की प्रैक्टिस देखकर कहता है कि हमने आपको इतने कष्ट में कभी नहीं देखा। बोल्ट तत्काल जवाब देते हैं, आप तो असलियत देखने आए थे ना, असली काम पर्दे के पीछे होता है। पर्दे पर तो थोड़ी सी झलक दिखती है, हम सब कुछ बस उस एक रेस के लिए कर रहे हैं। अगली चीज़ जो बोल्ट कहते हैं कि रेस में जाकर आप कॉन्फिडेंस नहीं ढूंढ सकते, आपको इसकी तैयारी पहले से करनी होगी। मैं रेस में जाकर ये नहीं सोच सकता कि बगल वाला एथलीट मुझे हरा सकता है। अगर बगल वाला वर्ल्ड चैंपियन भी है तो आपको अपनी सबसे अच्छी स्प्रिंट दौड़नी है, क्या पता कि आज उसका बुरा दिन हो। इसलिए सबसे पहले मेंटली तैयार होना ज़रूरी है। बोल्ट कहते हैं लर्न हाउ टू लूज। बोल्ट कहते हैं कि मैं अपने ऊपर प्रेशर नहीं आने देता। आप हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहते हो कि आप सब कुछ नहीं जीत सकते, कुछ जीतोगे कुछ हारोगे, हर स्पोर्ट ऐसा ही है। मेरे कोच ने मुझे सबसे पहले यही सिखाया था कि अगर लंबा जीतना है तो पहले हारना सीखो। उनके कहने का मतलब था कि हार को पचाना और उसका फ़ायदा उठाना सीखो, तभी लंबा जीत सकते हो। पुश द मेंटल बैरियर। बोल्ट कहते हैं कि मैंने बहुत सारे एथलीट्स को देखा है जो शुरुआत में ज़रूरत से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाते। कई सालों में मुझे ये बात समझ में आई है। मेरे कोच कहते थे कि आखिरी सेट सबसे ज़रूरी है, असली इम्प्रूवमेंट खासकर मेंटल आखिरी सेट में आता है। जब आपकी इच्छा होती है कि अब घर चलें, तब आपको मेंटल बैरियर के उस पार जाना है।
इस अवरोध या बैरियर को धक्का लगाना ही इम्प्रूवमेंट है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वर्ल्ड कप 2007 की दो इंस्पायरिंग स्टोरी ज़रूर देखिए, और हाँ, चैनल ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।